नमस्कार दोस्तों, माँ का खजाना चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए नमक पारा या मठरी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देखिए कितनी बढ़िया देखने में लग रही है, आपको तोड़ के मैं भी दिखाती हूँ कि कितनी कुरकुरी, कितनी ये देखिए कितनी आवाज़ अगर आपको सुनाई पड़ी होगी, कितनी खस्ती और कुरकुरी बनी हुई है कि आप इसको एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होती है। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके जैसे दबाइए जैसे आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और चलिए बनाते हैं। मैंने एक कटोरी और दो कटोरी में मैदा ले रही हूँ, जितना आपको बनाना उस हिसाब से हम मैदे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और ये मैंने तीन कटोरी मैदा लिया हुआ है। अब इसको हम चाल लेंगे अच्छे से, ऐसे गड्ढा बना लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे रिफाइंड। इसमें इतना डालना है कि आपके लड्डू आपके बनके तैयार हो जाएं। अभी मैं इतना डाल रही हूँ, इसमें कम से कम मैंने दो कलछुल डाला है। अब इसके बाद इसको अच्छे से हमको मिक्स कर देना है और फिर हम देखते हैं, अगर मेरा लड्डू बन जाता ठीक है, नहीं तो फिर हम थोड़ा और रिफाइंड इसमें ऐड कर लेंगे। वैसे इतने में लड्डू हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह खूब अच्छे से इसको हमको ऐसे ये हाथ से ऐसे ऐसे करके अच्छे से इसको हमको मिक्स करना। ये देखिए बन रहा है, इसका मतलब से मैंने मैदा मिक्स कर लिया। अब इसमें हम एक चम्मच जो है बड़ा एक चम्मच इसमें मैं कलौंजी डालूंगी या मगरेल डालूंगी। इसके बाद इसमें जो है स्वाद अनुसार नमक जाएगा एक चम्मच और आधा चम्मच और, मतलब एक बड़ा चम्मच मैंने जो है इसमें नमक डाला है। नमक अगर आपका कम हो जाता है तो आप टेस्ट करके नमक बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे ऐसे अच्छे से। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको हम लड्डू बना के देख रहे हैं कि लड्डू बन रहा है। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनके तैयार हुआ है, इसका मतलब मोयम इसका एकदम परफेक्ट है। अगर आपका लड्डू फूट रहा है तो आप मोयम और दे सकते हैं। अब हम इसको आटे को सानेंगे। देखिए इसमें एक कटोरी पानी है। अब इसको मैं डाल रही हूँ, देखती हूँ कितना पानी लगता है। तो एक कटोरी में दोस्तों बहुत अच्छे से आटा सन जाता है क्योंकि हमें गीला आटा नहीं सानना होता है। थोड़ा थोड़ा डाल के ही आप जो है मठरी का आटा सानेंगे। कहीं कहीं इसको दोस्तों नमक पारा भी कहते हैं। ये देखिए इस तरह करके इस पे ज़्यादा पानी नहीं लगता है। एक कटोरी पानी मैंने पूरा इसमें डाल दी, जो आप घर में यूज़ करते हैं वो कटोरी वही पानी मैंने इसमें डाला। हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड लेंगे और बाद में इस आटे को थोड़ा हम चिकना कर देंगे कि आटा मेरा ऊपर से खूब अच्छे से चिकना हो जाए। ऐसे करके हम इसमें रिफाइंड से इसको इस तरह देखिए ऐसे करके ये इस तरह हम इसको मेस करके ऐसे अच्छे से हम ऊपर से थोड़ा रिफाइंड लगा देंगे जैसे सूखे नहीं। और इस तरह करके हम इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे, उसके बाद हम इसकी लोइयां काटेंगे। देखिए कितना मुलायम आटा है, बहुत गीला भी नहीं है, बहुत टाइट भी नहीं है, हमको इसी तरह आटे बेलने के लिए चाहिए। दोस्तों ये देखिए मैंने इतनी बड़ी लोई ली है और उसको मैंने चिकना कर लिया ऐसे ऐसे करके। आप चिकना कर लीजिए इसको और आटे को बहुत देर तक नहीं रखना, खाली 5 मिनट ही आप रखिए, उसके बाद आप बनाना शुरू करिए। और ये देखिए जितना आपको मोटा पतला चाहिए ऐसे ही आप इसको इस तरह बेल के आप बना लीजिए, ऐसे फैलाते जाइए। इसमें कोई भी आप न मैदा लगाएंगे ना आटा, कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही आपको ये बेलना है। जितना आपको मोटा जितना पतला उस हिसाब से आप इसको बेल सकते हैं। ऐसे घुमा के आप चारों तरफ खूब अच्छे से इसको ऐसे बेल लीजिए। इसके बाद नाइफ से हम इसको पतले पतले मैं तो काटूंगी, आपको जैसे काटने आप उस तरह इसको आप काट सकते हैं, मठरी जैसे आपको बनानी हो। अब ऐसे तिरछे में हम मठरी को ऐसे हम काटेंगे। बहुत बड़ी बड़ी मठरी मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि होली में डिब्बे में रखने को होता है, तो इस तरह मैं यही साइज़ में बनाऊंगी। ये ऐसे मैंने काट लिया है। फाइन तेल डाला हुआ है, तेल हमारा एकदम गर्म हो चुका है। आप अगर आपका तेल नहीं गर्म है तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे करके डाल के देख सकते हैं कि देखिए बिल्कुल मेरा तेल गर्म हो गया है।
ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर तैर के आ रहा है। तो अब हम इसको धीमे धीमे करके इसे नाइफ से ही हमको डालना, हाथ से हमको नहीं छूना है, ऐसे धीमे धीमे करके हम नाइफ से इसमें डाल देंगे। बहुत संभल के डालिएगा कि आपके ऊपर छिट्टा ना आए। और इसको डाल के हम नाइफ से, गैस को हम धीमा रखेंगे, गैस तेज हमारी गर्म है कढ़ाई, बस इस तरह हल्का सा टच करेंगे, ज़्यादा हम इसको नहीं छुएंगे। अब इसको छोड़ देंगे, अपने आप ही ये जब पकेगा तो फूल के ऊपर आ जाएगा। दोस्तों देखिए हो गया है, कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल ब्राउन कलर देखिए बिल्कुल। और मैं आपको आवाज़ भी दिखा, ये देखिए खट से बोल भी रहा है, मैं दिखा रही हूँ ये देखिए। तो यानी कि ये पक गया है, बहुत अच्छे से मटरी हमारी तैयार हुई है। आप इसको एक महीना दो महीना स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होती है, लेकिन ये है कि आप अच्छे से इसको पकाइए तो आप एक दो महीना इसको आराम से रख के खा सकते हैं। ये देखिए मैं दोबारा बना के आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह मैं सारी लोइयों को बेल के अब काट लूँगी और फिर इसी तरह सारी को मैं फ्राई कर लूँगी, जितनी मछलियाँ मैंने बनाई है। अभी इसमें मैं एक बार और बेल करके डाल दूँगी। तो ऊपर ये फूल करके आ गया है, तो अब हम इसको ऐसे इसी जाली से ऐसे हम करके पलट देंगे। शुरुआत में डालने पर इसको हम नहीं छुएंगे, जब ये अपने आप ऊपर आ जाता तब हम इसको ऐसे पलट पलट के हम इसको जो है धीम गैस को हम मीडियम रखेंगे, या धीमा भी कर सकते हैं। जब आपका तेज गर्म हो जाए तेल तो आप धीमा कर दीजिए, और ऐसे पलट पलट के हम इसको मठरी को पकाएंगे। देखिए दोस्तों हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। पहले देखिए दोस्तों मैंने बड़ी बड़ी बनाई थी, और इस बार मैंने छोटी छोटी बनाई है, तो आपको जैसे बनाना हो आप उस तरह ऐसे छान के आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई, उतनी ही खस्ता है, आप इसको चाहे एक महीना तक स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए, और माँ के खजाने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नमस्कार।